हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है मेरे फेस से रिलेटेड, यानी कि मेरा किस तरह से फेस ग्लो करता है और किस तरह से अपने फेस पे एंटी एजिंग बनाना है, मतलब ज़्यादा उम्र के देखने एज के बाद अपने अपने फेस को कम एज के कैसे दिखना है और एक ग्लो लाना है फेस पर, तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो है एंटी एजिंग मसाज, जिसको हम सीरम से करेंगे या मॉइस्चराइजर से करेंगे। तो रात को सोने के पहले किस तरह से अपने फेस को रिलैक्स देते हैं और एक एंटी एजिंग मसाज करते हैं डार्कनेस के लिए, कि आइज के पास डार्कनेस नहीं आए। और सोने के पहले हर कोई को चाहिए कि थोड़ा सा अपने फेस को मसाज दे, उसके बाद ही सोए। तो वही आज हम टिप्स लेकर आए हैं जो आज आप लोग को बताने वाले हैं। अपना पर्सनल जो करते हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि हर कोई को फेस को मसाज देना चाहिए, रिलैक्स देना चाहिए, तो इससे स्किन काफ़ी ग्लो करता है और काफ़ी मॉइस्चराइज रहता है फेस, ड्राइनेस नहीं आती है। तो इसी के अकॉर्डिंग वीडियो है। और अभी हम थोड़ा बहुत मेकअप कर रखे हैं क्योंकि हम अभी बाहर से आए थे, तो आज हम नाइट का इवनिंग का टाइम है, तो अब हम अपने फेस से सारे क्रीम को हटाएंगे और अपने फेस को एक हल्का मसाज देंगे सीरम से, जो कि हमेशा करते हैं सोने के पहले। और तो आज हम वही बताने वाले हैं और 10 स्टेप बताएंगे कि किस तरह से अपने फेस का मसाज किस तरह से ऑयल से या मॉइस्चराइजर से या सीरम से करते हैं, वही आज हम 10 स्टेप बताने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, और ज़रूर इस तरह से सोने के पहले अपने फेस को मसाज देना, तो फेस काफ़ी रिलैक्स रहेगा, कोई टैनिंग नहीं आएगी, कोई डार्कनेस नहीं आएगी और एंटी एजिंग फेस रहेगी। और ये हर कोई कर सकता है, नॉर्मल जेंट्स लेडीज़ लोग कोई भी कर सकता है, गर्ल्स ये सारे कोई ऐसे फेस पे मसाज दे सकते हैं सोने से पहले, जो मैं करती हूँ। और देखिए मेरा चेहरा काफ़ी मॉइस्चराइज रहता है, क्लीन रहता है और कोई भी पिंपल्स वगैरह नहीं होते मेरे फेस पे, और फेस आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने फेस को पहले धोएंगे, और थैंक गॉड कि मेरे फेस पे कुछ नहीं होता और अपने फेस को मसाज देते हैं, यही राज है कि मेरा फेस काफ़ी हेल्दी रहता है, कभी डार्कनेस नहीं दिखता है। तो मैं सोची आप लोगों को बताऊं, और 10 स्टेप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं धो के आती हूँ फेस को और उसके बाद किस तरह से 10 स्टेप मसाज करना है वो बताऊँगी। फेस के लिए सिर्फ फेस का मसाज रहेगा, तो चलिए मैं वॉश कर लूँ। सबसे पहले तो अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, फेस वॉश कर लेंगे, अपने फेस को रिलैक्स देंगे सोने के पहले 2 घंटा पहले। इस तरह से फेस को पूरे फेस पर से पूरे मेकअप हटा लेंगे, अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, और हम क्लीन करके आ चुके हैं। और उसके बाद कोई भी फेशियल ऑयल या सीरम, ये मेरे पास ड्रॉप्स ऑफ लाइट का सीरम है जो कि फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसके लगाने के बाद फेस बहुत ही रिलैक्स होते हैं। ये एंटी लगाने के बाद फेस को काफ़ी रिलैक्स लगता है, तो कोई फेस ऑयल नहीं है आपके पास, तो ये ड्रॉप्स ऑफ लाइट का सीरम, जो भी कोई भी सीरम यूज़ करते हैं आप उससे मसाज कर सकते हैं। मेरे पास ड्रॉप्स ऑफ लाइट का सीरम है, बहुत ही अच्छा सीरम है, इससे फेस पे मसाज करने में बहुत ही रिलैक्स होता है, बहुत ही मतलब बेनिफिट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका, और कोई रिलैक्सेशन बहुत मिलता है। और फेस के लिए ये विटामिन ई का काम करता है, मसाजिंग तो सही है कि कोई भी फेस को मसाज करो मैं, तो ये मसाज में भी अच्छा काम करता है। तो हम ड्रॉप्स ऑफ लाइट का सीरम यूज़ करेंगे, और ये गुड वाइब्स का है एंटी एजिंग फेस क्रीम है, इससे भी मसाज करता है। आप जो भी कोई भी ऐसा मसाज क्रीम हो जिससे फेस पे मसाज कर सको और मसाज अच्छे से हो जाए और फेस के लिए कोई साइड इफेक्ट ना हो और गुड फेस में हो, वहीं से हम फेस को मसाज करेंगे। तो सबके पास जनरली सीरम रहते ही हैं, और सीरम स्किन के लिए काफ़ी सही रहता है, ग्लो करता है और विटामिन है, तो फेस में मसाज देना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि थकावट हरासमेंट सबको रहता है। तो उसको हम इसे ये ड्रॉप्स ऑफ लाइट से के सीरम से अपने फेस को मसाज करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो पहले हम सीरम लगा लेंगे, आप लोग पास जो भी हो फेस ऑयल भी उससे भी कर सकते हैं या सीरम से कर सकते हैं। तो पूरा भरपूर में हम ऑयल लगाएंगे, और बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से रिलैक्सेशन मिलता है लगाने के बाद सीरम वगैरह फेस पे।
का जो मसाज ठीक रहता है वो काफी टाइट रहता है, स्किन काफी सही रहता है इससे। तो इस तरह से हम ड्रॉप्स ऑफ लाइट का सीरम लगा लिया और थोड़ा सा गुड वाइब्स का हम मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। आप चाहे तो फेस मसाज के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं जो अच्छा हो। इसका गुड वाइब्स का बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहता है मॉइस्चराइजर, आप डे नाइट में इसको सोने के पहले यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें विटामिन ऑयल 20% फ्री रहता है, देख सकते हैं। गुड वाइब्स अगेन ऑर्गेन फाइन लाइन मैजिंग फेस क्रीम है ये, नाइट डे दोनों में लगा सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा क्रीम है, एकदम ऑयली टाइप का। तो कोई भी आप फेस पे मसाज जो आप लोग रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं जो कि आपको फेस में मसाज करने में ईजिली पड़े, वो आप क्रीम ले सकते हैं। और नहीं तो जनरली आप ऑयल या सीरम ले सकते हैं। सीरम तो सबके पास अवेलेबल रहता है, सीरम और मॉइस्चराइजर थोड़ा सा ले और फेस को मसाज दे। तो मेरे पास गुड वाइब्स का है, आप लोग चाहे तो मंगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। इसका नेम तो ज़रूर मेंशन कर देंगे, गुड वाइब्स का, तो आप लगा सकते हैं। इसको भरपूर मात्रा में लगाएंगे ताकि मसाज अच्छे से हो फेस। ऑयल है इसमें 20% ऑयल फ्री है गुड वाइब्स में। तो ऑयल छूटने से मसाज तो पता है कि हाथ अच्छा है, स्टेप अच्छा चल पाएगा। इस तरह से पहला स्टेप तो ये रहेगा कि अच्छे से इसको मस्क कर लेंगे, लगा लेंगे, पहला स्टेप ये रहेगा। सीरम फेस को नरम करता है और 20% सीरम में ऑयल फ्री है, तो ऑयल स्किन के लिए सही रहता है, कोई नुकसान नहीं करता। और स्किन के लिए ऑयल लगाना बहुत मस्ट है, तो आप लोग ऑयल ज़रूर लगाएं। तो पहला स्टेप हम बता चुके हैं कि इस तरह से लगा, और सेकंड स्टेप अपने फिंगर को इस तरह से कर लेंगे और नोज को ऊपर की ओर ले जाएंगे ऐसे, और रोज़ एक ऐसे करें। होल्ड करेंगे एक सेकंड के लिए। सही रहेगा, ऑयल स्किन को चाहिए तो आप लोग ऑयल इस तरह से लगाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और इस तरह से फेस को मसाज दें। तो चलिए थ्री स्टेप हो गया है, तो अब हम फोर स्टेप करेंगे। तो फिंगर को टू फिंगर निकालेंगे और उसको वी शेप में करेंगे इस तरह, और थोड़ा सा ऑयल ले लेते क्योंकि ऑब्जॉर्ब हो जाता है ना स्किन में सीरम,
तो देख सकते हैं, एग्जांपल यही दिख रहा है कि तुरंत मसाज करने के बाद कैसे मतलब स्किन अपना सीरम का ले रहा है, ऑयल ले रहा है, तो इस तरह से स्किन में ऑब्जॉर्व हो जा रहा है इसके साथ। तो मसाज के लिए थोड़ा और चाहिए गीला, तो इस तरह से 2 स्टेप ले लेंगे और इस तरह वी शेप में। इस तरह से 10 बार करेंगे और एक एक सेकेंड के लिए रुकेंगे। लेफ्ट राइट करेंगे और फेस को मसाज करेंगे इस तरह। और फेस इससे स्किन काफी ग्लो रहता है, नरमी नहीं आता है फेस पे, टाइट रहता है, और यहाँ से जो डार्कनेस थकावट जो फेस पे रहता है वो बिल्कुल चला जाता है। तो आप लोग इस तरह से जरूर ट्राई करें फेशियल ऑयल से या सीरम से। 5 स्टेप करेंगे जिसमें जो रिंग पहनते हैं ना वो वाली फिंगर लेंगे इधर लेफ्ट वाली, तो इससे करेंगे अपने जो मेरा 4-8 का स्टेप हो गया, साइड चिक का हो गया। अब हम नोज के पास और लिप्स के पास जिसके रहता है उसके लिए हम मसाज करेंगे और ये रिंग जो इसमें पहनते हैं उस फिंगर से करेंगे। तो इस टाइप से दो फिर से निकालेंगे और इस तरह से हम ये 5 स्टेप किए और अब हम 6 स्टेप बता। तो ये जो मेरा 6 स्टेप रहेगा वो डार्क सर्कल के लिए रहेगा, जिसके आईज पे डार्क सर्कल हो जाते हैं इसके लिए है ये मसाज। आई वाले मेरे हम एक एक करके स्टेप सारे चीज के लिए बता रहे, कभी फोरहेड के लिए, कभी चिक के लिए, कभी नोज के लिए, कभी लिप्स के लिए, मैं सारे स्टेप बताई हूँ। और ये रात में सोने से पहले ये मसाज करना है कोई भी ऑयल से या सीरम से या जो ये आप लोग को चाहिए, तो ये भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में नेम डाल देंगे। तो इस तरह से फेस मसाज करना, और ये जो मसाज है वो एंटी एजिंग के लिए मसाज है। तो अब हम आईज के लिए मसाज करेंगे जो कि है डार्क सर्कल कम करता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम आईज को दिखाते हैं। राउंड सर्कल में ऐसे ऐसे राउंड लगाना है 3 फिंगर के हेल्प से 10 बार। और एक एक सेकेंड के लिए रुकना है और राउंड लगाना है ऐसे, इससे डार्क सर्कल बिल्कुल कम हो जाएंगे। से हम 5 से 6 स्टेप बता चुके हैं। ये आप थोड़ा 2 से 4 बार 4 फिंगर से कर ले और उसके बाद आप 2 फिंगर से इस तरह से कर। साइकिल वाले को भी, माइग्रेन वाले को भी, और थकावट वाले को भी, टायर्डनेस वाले को भी, बहुत रिलैक्स लग रहा है इसका। जो 4 फिंगर से नहीं दबा सकता है सर, वो 2
हूँ फिंगर से, बहुत ही रिलैक्स लग रहा है। आप लोग जरूर एक बार ट्राई करना, ऐसे फिंगर को रखना, बस कुछ नहीं करना, बस ये स्टेप जरूर करना अगर आप कभी भी शार्प पेन हो तो। तो 7 स्टेप इस तरह से करना है, ऐसे ऐसे यहीं से आइस से जाते हुए ऐसे ऐसे जाना है। ये फोरहेड के लिए है, इस तरह से 2 फिंगर लेंगे और 5-7 सेकंड करेंगे इस तरह। इस तरह से ये 7 है। तो इस तरह से मसाज करने से ये होता है कि आप फोरहेड को भी आप मसाज कर रहे हो और आप आईब्रो को भी वॉन्स दे रहे हो, क्योंकि मजबूत हो रहा है आईब्रो भी। इस तरह से मसाज करने से 2 बेनिफिट होता है कि आईब्रो भी ग्रोथ सही करता रहता है, ग्रोथ और फोरहेड भी होते रहता है। तो इस तरह से आप 10-15 सेकेंड इस तरह से 7 स्टेप होते ही, जैसे फिंगर के हेल्प से ऐसे ऐसे किए 15 सेकंड के लिए, ये स्टेप होते ही फोरहेड वाली, फिर नीचे की ओर आना है और प्रेस करना है अपने फिंगर के हेल्प से 1, 2, 3 और 4 एक प्रेस करना है हल्का, 1 सेकंड के लिए रुकना है, 2, 3, 4 1, 2, 3 तो ये वाली जो हम स्टेप बताए थे उसको 10-15 बार करना है और हल्का हल्का रुकना है। और ये सारे जो स्टेप थे अभी आइस वाले, फोरहेड वाली, वो डार्क सर्कल के लिए, इससे करने से आइस का जो भी डार्क सर्कल होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो और फेस को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। और अच्छे से अपने ऑयल को, अपने फेस को टाइम निकाल के अपने 10 मिनट के लिए अपने फेस को इस तरह से मसाज दें, क्योंकि फिंगर को ऐसे कर लेंगे और ये है तरह से करेंगे। ऑयल लेना होगा पूरा ड्राई, पूरे स्क्रीन पे, पूरे फेस मेरा मतलब ऑब्जर्व कर ले रहा है मॉइस्चराइजर को। इससे अच्छा क्या चाहिए स्किन के लिए कि देखिए, स्किन जितना ही ऑयल ऑब्जर्व करता है उतना ही स्किन के लिए बेनिफिट है। तो इस तरह से हम फिर से क्रीम ले लेंगे हल्का और इस तरह से ओमनी का फिंगर बना लेंगे और इस तरह से दोनों साइड से करेंगे, एक चीक के नीचे के लिए। इस तरह से हम 1-1 सेकेंड के लिए रखेंगे और 10 बार इधर और 10 बार इधर अपने स्किन को मसाज करेंगे पूरी ऑल से। तो ये मेरा रहा 9th स्टेप और सबसे अच्छा स्टेप मेरे को ये लगा, 2 राउंड राउंड जो आइस के पास था, और ये वाला स्टेप तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ऐसे। और हम ये ज़्यादा स्टेप ये करते क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, आराम से फिंगर को ऐसे करो और इस तरह से अपने, तो इस तरह से अपने फेस को मसाज
काफी सही लगेगा। तो ये था मेरा 9 स्टेप जो सारी चीज बताए एक एक करके, तो आप लोग जरूर फॉलो करना। और चलिए लास्ट स्टेप, 10 स्टेप लास्ट होने वाला है। तो हम दो फिंगर लेंगे अंगूठे वाले और इस तरह से अपने ये करेंगे। तो हम फाइनली लास्ट स्टेप करेंगे जो कि होगा पूरे फेस को देंगे, यानी सबसे ज़्यादा चीक पे प्रेशर देंगे। तो सब जो मैंने अंगूठे को यहाँ पर रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, और हाथ को करेंगे ऐसे और ऐसे। इस तरह से 10 बार करेंगे। ये चीक के लिए पूरा मसाला 10 स्टेप आप लोगों को बता चुके हैं, और एक लास्ट स्टेप और मेरे को याद आ गया, तो मैं सोची आप लोगों को बता ही दूं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लास्ट हम करेंगे इस फिंगर को ऐसे यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ इस स्किन के लिए एक ऊपर टाइट हो, तो यहाँ पे फिंगर ऐसे रखेंगे 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे इस तरह से। तो इस तरह से 10 बार ये करेंगे और 10 सेकेंड के लिए। तो ये फाइनली मेरा 10 से 11 स्टेप रहा फेस मसाज का, जो कि मैंने हर एक स्टेप बताया। और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना, और ज़रूर करना डार्कनेस होने से पहले जो मैं करती हूँ वो अपना पर्सनल रिव्यू आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो अपने फेस को मसाज देना बहुत ज़रूरी है, और थकावट हरासमेंट और सर का पेन सारी चीज़ ख़त्म हो जाएंगे और रिलैक्स मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फेशियल ऑयल है और फेशियल मसाज है, तो इस तरह से पानी का मतलब जैसे फेशियल कराते हैं तो वाटर भिगाना ये करना वो करना नहीं, ये सिर्फ ऑयल से ही घर पे मतलब कुछ करना नहीं हो, कोई टॉयल वेल का हेल्प नहीं लेना या पार्लर नहीं जाना, घर पे अपना ऑयल से ही फेस को मसाज दें तो फेस इसी से रिलैक्स रहेगा, कोई फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर कोई को चाहिए, मेरा मानना है कि हर कोई को चाहिए कि आप अपने फेस को मसाज दें ऑयल से या सीरम से या कोई भी मॉइस्चराइजर से। तो आप लोग खुद से भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं 10 स्टेप, और हर एक स्टेप को मेरा शेयर किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है हर चीज़ के लिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।